खबर पूरनपुर पीलीभीत से है, जहां मौसम में बदलाव के होते ही खांसी जुखाम और मस्तिष्क ज्वर ने पैर पसारने शुरू कर दिए। इसकी चपेट में बड़े और बच्चे चल रहे हैं। लोग झोला छाप डॉक्टरों के सहारे नीली पीली गोली खाने को मजबूर है, फिर भी वायरल फीवर का प्रकोप कम नहीं हो रहा। ग्रामीणों की मांग है कि क्षेत्र में चिकित्सा शिविर लगाकर दवाइयों का वितरण कराया जाए। ग्रामीण अंचलों में मौसम के परिवर्तन होने पर वायरल फीवर ने कई गांव में अपने पैर पसार लिए। लोग गांव के डॉक्टरों से दवाइयां ले रहे लेकिन सुधार नहीं हो रहा। पीलीभीत में अलग अलग क्षेत्रों में वायरल फीवर ने पैर पसार रखे, जिसके चलते लोग काफी संख्या में बीमार हो रहे हैं। गली मोहल्लों में बैठे झोला छाप डॉक्टरों की लॉटरी निकल पड़ी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अभी भी गहरी नींद में सो रहा है और अभी भी अनजान बना हुआ है। कोतवाली पूरनपुर देहात क्षेत्र के गांव मोहल्ला करीमगंज निवासी सरताज मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की गुजर बसर करता है। उक्त सरताज की 4 वर्षीय पुत्री नुजत फातिमा को 2 दिन पूर्व तेज बुखार आया था, जिसकी उन्होंने नगर के चिकित्सक से दवा ली थी। वहीं बच्ची को दवा देने के उपरांत बच्ची की तबीयत कुछ ठीक हो चुकी थी, लेकिन आज दोपहर बाद उसको तेज बुखार पुनः आ गया। देखते देखते बच्ची को उल्टी दस्त भी शुरू हो गए। सरताज अपनी बच्ची को डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए ले जा पाते कि उससे पूर्व ही उसके घर में ही मौत हो गई। वही मासूम बच्ची की हुई अचानक मौत से मोहल्ले में हाहाकार मच गया। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीलीभीत जनपद से निजाम अली की रिपोर्ट। नाम है आपका? सरताज भाई, आपकी बच्ची किस तरीके से बीमार थी और ये कैसे एक्सपायर हो गई है? जी, बुखार आया था, बुखार आने पर ड्राफ्ट लिया, पिलाया। ड्राफ्ट आपने अपने आप लिया, डॉक्टर के यहाँ ले गए? डॉक्टर ने ड्राफ्ट दिया, पिलाया, इसको सुकून मिल गया। सुकून मिलने पर फिर इसको कोई परेशानी नहीं हुई। फिर उसके बाद उसे पलटी दो बार पलटी गई, फिर वो फिर ड्राफ्ट लेके आया। जैसे ड्राफ्ट लाने के बाद फिर वो 2 चम्मच मिलाया, 2 चम्मच मिला के फिर उसके बाद में सुकून मिल गया। ऐसे खेलता रहा बच्चा, घूमते बाहर भी खेलता रहा, यहाँ भी खेलता रहा। उसके बाद फिर इसकी तबीयत जो थी डाउन हो गई। फिर डॉक्टर से ले जाने के लिए थे, बोलती नहीं थी भाई, एक्सपायर हो गई। कितनी उम्र थी बच्चे की? 4 साल। क्या नाम था बच्चे का? मुझे फातिमा।